अनिल कपूर साहब जब अपने पिताजी के साथ मुंबई शिफ्ट हुए थे तो रहे थे पृथ्वीराज कपूर साहब के गैराज में। सलमान खान अपने पुराने कपड़ों का करते क्या है। सुनील दत्त साहब एक्टर बनने से पहले रेडियो जॉकी थे और चाहते थे अपनी फेवरेट सुपरस्टार का इंटरव्यू करना। कौन थी वो, जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेलो नमस्कार, मैं हूं यश गेरा और आपका स्वागत है फैक्ट्स फैक्ट्स में। मैं जो भी कहूंगा फैक्ट कहूंगा, फैक्ट के सिवा तो मैं कुछ कहता ही नहीं हूं और ये वीडियो एंटरटेनमेंट फैक्ट्स का है। थ्री इडियट्स फिल्म का वो फेमस प्रेगनेंसी सीन याद है जहां पर रेंचो अपना वायरस इन्वर्टर से बेबी डिलीवरी कराता है। एक्चुअली वो सीन ना थ्री इडियट्स के लिए लिखा ही नहीं गया था क्योंकि राजकुमार ईरानी साहब जब मुन्ना भाई MBBS लिख रहे थे तब उन्होंने ये सीन मुन्ना भाई के लिए लिखा गया था, लेकिन जब फिल्म शूट हो रही थी उन्हें लगा इस सीन की इसमें ज़रूरत नहीं है, कहीं फिट नहीं हो रहा है, तो उस सीन को हटा दिया गया और मुन्ना भाई MBBS वैसे ही रिलीज हुई सीन के बिना। लेकिन थ्री इडियट्स के दौरान इस सीन की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने उस समय लिखा हुआ सीन मुन्ना भाई MBBS के लिए जो लिखा था थ्री इडियट्स में फिल्म आया। ऐसा भी होता है। क्या आप जानते हैं सुनील दत्त साहब एक्टर बनने से पहले रेडियो जॉकी थे और वो अपनी फेवरेट सुपरस्टार का इंटरव्यू करना चाहते थे, नरगिस जी का। जब ये दिन आया इंटरव्यू का तब नरगिस जी के सामने उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला और ये इंटरव्यू फ्लॉप हो गया। 1957 में यानी कि 1957 में उनको चांस मिला नरगिस जी के साथ फिल्म में एक्ट करने का और वो फिल्म थी मदर इंडिया, जिसमें नरगिस जी के वो बेटे बने थे। क्या आप जानते हैं मदर इंडिया के सेट पर बहुत ज़बरदस्त आग लग गई थी और चारों तरफ आग के लपेटे में फंसी हुई थी नरगिस जी। सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आग में मार दी थी छलांग और उनको बचाकर बाहर वापस ले आए थे और तभी नरगिस जी को मोहब्बत हो गई थी सुनील दत्त साहब से और उनकी शादी भी हुई। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और मेरे दिल के तो काफ़ी करीब है। उसके साथ साथ इस फिल्म में पूरे वर्ल्ड में एक इम्पैक्ट छोड़ा है। आप जानते हैं जिस देश में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी उसके बाद वहाँ की टूरिज्म में 65% की बढ़ोतरी हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ स्पेन की। जब वहाँ पर टूरिज्म की बढ़ोतरी हुई तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में भी बहुत बढ़ावा आया, तो वहाँ पर लोगों ने इस फिल्म को देखा समझा, उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग मैनेजमेंट के केस स्टडी के रूप में इसको रख दिया। यानी कि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं जब मार्केटिंग मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं तो इसका भी चैप्टर पढ़ाया जाता है और दिखाया जाता है किस तरह से किसी देश का टूरिज्म बढ़ाया जा सकता है और इकोनॉमी भी बढ़ाई जा सकती है ना। हम देशवासियों के लिए गर्व की बात, प्राउड टू बी एन इंडियन। क्या आप जानते हैं अनिल कपूर साहब की फैमिली पृथ्वीराज कपूर साहब के गैराज में रही थी। जब अनिल कपूर साहब के फादर मुंबई शिफ्ट हुए थे तब वो पृथ्वीराज कपूर साहब के गैराज में रहे थे, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्होंने अपना एक फ्लैट ले लिया था चैम्बूर में जहां पर वो सब रहे और अनिल कपूर साहब वहीं पर जवान हुए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वीराज कपूर साहब के यहाँ कैसे रहे, क्योंकि अनिल कपूर साहब के फादर और पृथ्वीराज कपूर दूर के रिश्तेदार हैं यानी कि डिस्टेंट कज़न हैं। इसी तरह से राज कपूर साहब और अनिल कपूर साहब भी कज़न हुए। मुगले आजम एक ऐतिहासिक फिल्म है जिसे बनने में लग गए थे 18 साल। क्या आप जानते हैं इस फिल्म के एक एक सीन को 3 लैंग्वेज में बार बार शूट किया गया। यानी कि एक सीन अगर हिंदी में शूट किया गया है तो उसके बाद उसी सीन को तमिल में, उसी सीन को इंग्लिश में शूट किया गया और सबसे पहले इसकी रिलीज जो हुई थी वो हुई थी तमिल लैंग्वेज में। ये बहुत बड़ा डिजास्टर के रूप में सामने आई, यानी कि बहुत बड़ी फ्लॉप थी। तब मेकर्स ने सोचा कि इंग्लिश वर्जन को साइड किया जाए और रिलीज किया गया इसका हिंदी लैंग्वेज का वर्जन और लोगों के सामने जब आया तो लोगों को बहुत पसंद आई। बाकी तो सब हिस्ट्री है क्योंकि मुगले आजम फिल्म आज भी हमारे दिल में है। हाँ, कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो बॉलीवुड से रिलेटेड फैक्ट्स। अगर इस तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ जिसका नाम है फैक्ट्स वैक्ट्स। मैं जल्दी लौटूंगा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सी यू, टेक केयर।